नमस्ते दोस्तों, उषा विलेज फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं आई हूँ खेत में और यहाँ से देखिए आप लोगों को सब्जी दिखा देती हूँ, कौन सी सब्जी मैं लूँगी। तो इस पेड़ में दोस्तों आप लोग पास से देख लीजिए, ढेर सारा लौकी यहाँ पे फरा हुआ है। अभी देखिए एक ही साइज़ के है, ये तोड़ने लायक नहीं है, अभी बहुत छोटा है। और यहाँ पे ये देखिए छोटे छोटे हैं, बहुत ही नरम है दोस्तों, अभी ये बहुत बड़े बड़े होंगे। तो एक ही गवाम दोस्तों देखिए ढेर सारा फरा हुआ है। ज़रूर आप लोग को अच्छा लगा हो, तो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों लौकी तैयार हो गया है, बहुत ही बढ़िया। तो और लौकी दोस्तों देखेंगे और उसके बाद तोड़ेंगे, अभी इसे छोड़ देते हैं ऐसे ही। तो आप लोग हमारे वीडियो को लास्ट तक रखते रहिएगा। तो लौकी दोस्तों एक ही डाली में ढेर सारा फरा रहता है, देखिए छोटा छोटा है। एक यहाँ पे है देखिए, दो, ये सबसे ज़्यादा छोटा है, ये देखिए इसमें फूल भी लगे हुए हैं अभी, और फूल इसका दोस्तों एकदम सफ़ेद रहता है। तो लौकी एक पेड़ दोस्तों बहुत दूर दूर तक बोया जाता है और पास पास से नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैलता है। तो इस वाले पेड़ में देखिए इतने बड़े बड़े दोस्तों लौकी फरे हुए हैं, बहुत ही अच्छे। तो लौकी की दोस्तों ढेर सारी सब्जी बनती है, आप लोगों को भी बना के दिखाएंगे अच्छी। तो लौकी के खेत दोस्तों बहुत ही अच्छा लगा, अब हम लौकी को तोड़ लेते हैं अच्छा सा देखकर। तो ये वाली लौकी दोस्तों हम तोड़ेंगे, यहाँ से आप लोग पास से देख लीजिए। बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, बहुत ही अच्छी रेसिपी बनेगी। तो चलिए एक और हम तोड़ेंगे, अब हम ये वाला तोड़ेंगे। ये वाला भी दोस्तों बहुत ही बढ़िया है, इसे भी पास से आप लोग देख लीजिए, यहाँ से हम तोड़ेंगे। तो लौकी को हमने ले लिया है, अब हम चलेंगे घर पे। तो लौकी लेकर दोस्तों हम आ गए हैं घर पे। तो देखिए ये वाली लौकी को हम अच्छे से धोते हैं, एक ही लौकी से दोस्तों हम रेसिपी बना लेंगे। हम छिलके को उतारेंगे, छिलका उतारने में दोस्तों बहुत ही फिसल रहा है, इसे अच्छे से पकड़ेंगे नहीं तो गिर जाएगा मिट्टी में। तो छिलका उतारने के बाद एक बार हम और अच्छे से धो लेते हैं, बहुत ही ज्यादा फिसल रहा है ये। अच्छे से हम धो लिए हैं, अब इसे हम कद्दूकस करेंगे। तो अब हम कद्दूकस कर लेते हैं। तो अभी बहुत छोटा छोटा बीज पड़ा हुआ है, तो बहुत ही अच्छे से कद्दूकस कर ले रहे हैं, बहुत ही बढ़िया दोस्तों रेसिपी भी बनेगी। तो ऐसे ही घुमाते हुए करेंगे तो बहुत ही जल्दी हो जाता है। तो कद्दूकस हमने कर लिया है, ढेर सारा निकला हुआ है एक कद्दू में। तो कद्दू में ढेर सारा पानी होता है, तो पानी को अच्छे से निचोड़ देंगे हम, देखिए ऐसे इस तरीके से। तो पानी को हमने अच्छे से निचोड़ लिया है, पानी के निचोड़ने के बाद इसे हम ढक देते हैं। अब हम मसाले की तैयारी करेंगे। तो अब हम लहसुन के छिलके उतार लेते हैं। तो अदरक के छिलके हम उतार लेते हैं, तड़का देने के लिए प्याज भी हम काटेंगे। तो टमाटर को हम ग्रेवी, तो टमाटर को अच्छे से धो लेते हैं, इसे हम छोटे छोटे टुकड़े में काटेंगे। तो टमाटर को पीसेंगे हम, तो छोटा छोटे टुकड़े में काट लेंगे, पीसने में आसानी होगी। तो आप लोग चाहे दोस्तों इसका छिलके भी उतार सकते हैं, बहुत ही अच्छे पिसा जाता है, तब मैं ऐसे ही काट दे रही हूँ। तो पहले लहसुन और अदरक के हम पीस लेते हैं। तो अब हम पीसेंगे टमाटर को। तो ऐसे ही टमाटर को हम पहले पीस लेते हैं। तो टमाटर का पेस्ट हमने बना लिया है, अब कटोरे में हम उठा लेते हैं। तो अब हम चूल्हे में आग को जलाएंगे। तो लौकी को हम बनाएंगे पोखता, इसमें हम काट लेते हैं प्याज को छोटे छोटे टुकड़े में करके।
तो मिर्ची को भी हम काट लेते हैं। अब हम ले लेते हैं थोड़ा सा हल्दी, हल्दी डालने के बाद थोड़ा सा धनिया। तो आग हमारा अच्छे से जलने लगा है, तो इस पर हम रख देते हैं कढ़ाई, कढ़ाई में डाल देते हैं रिफाइंड का तेल। तो अब हम डालेंगे थोड़ा सा बेसन, बेसन डालकर मिला लेंगे। तो ज़्यादा बेसन नहीं डालेंगे दोस्तों, नहीं तो जो पुख्ता होता है बहुत टाइट हो जाता है। तो अब हम लास्ट में डालेंगे नमक को, नमक का डालकर अच्छे से मिलाते हैं। तो अभी हम ग्रेवी में भी डालेंगे, इसमें नमक थोड़ा सा कम डाले हुए हैं। तो गोल गोल हम बना लेते हैं लड्डू जैसा। तो बेसन कम डाले हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा हमारा पुख्ता बनेगा। और तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, तो इसमें हम पुख्ते डालकर अब तल लेते हैं। तो थोड़ा सा ज़्यादा लाल है तेल, तो इसे कम कर देते हैं आँच को। हम धीमी आँच में दोस्तों पकाएंगे, जैसे अंदर तक अच्छे से पके। आँच को हमने एकदम कम कर दिया है, बस तेल हमारा ठंडा हो जाए इसे डालने के बाद। तो थोड़ा सा इसे पकने देते हैं, उसके बाद हम पलटेंगे। तो अब हम पलट देते हैं। तो तेल दोस्तों ज़्यादा गर्म हो गया है, तो कढ़ाई को उतार देते हैं और इसी तेल में अच्छे से पकने देते हैं। तो पोक तक दोस्तों धीमी आँच में पकाना चाहिए, जिसे अंदर तक अच्छे से पके, इसलिए मैंने कढ़ाई को उतार दिया है। अब ये अच्छे से पकेगा, कलर भी बहुत ही बढ़िया आएगा, ये देखिए। तो पोखते हमारे बहुत ही अच्छे से देखिए पक चुके हैं अंदर तक, और कलर भी बहुत ही बढ़िया आया हुआ है। तो अब इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो रिफाइन के तेल को हम पलट देते हैं, इसमें हम डालेंगे अब सरसों का तेल। अब हम डाल देते हैं सरसों का तेल, इसे अच्छे से गर्म होने देते हैं। तो तड़का हम डालने के लिए हम प्याज को भी काट लेते हैं। तो प्याज और मिर्चे को भी डाल देते हैं तड़का देने के लिए। तो प्याज को अच्छे से हम भूनेंगे। तो लहसुन और अदरक को भी डाल देते हैं, देखिए प्याज अच्छे से हमारा पक चुका है। अब हम डालेंगे इसमें टमाटर को, टमाटर को डालकर दोस्तों अच्छे से हम भूनेंगे इसे। तो टमाटर पकना स्टार्ट हो गया, इसमें हम डाल देते हैं अब सूखे मसाले। तो लाल मिर्च इसे डाल देते हैं, और थोड़ी सी डालेंगे हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर डालकर हम अच्छे से मसाले के साथ साथ टमाटर को भी अभी भूनते रहेंगे जब तक। तो तेल टमाटर में से दोस्तों बाहर आ गया है, बहुत ही अच्छे से देखिए पक चुका है। तो अब इसमें हम डालेंगे पानी, पानी के डालकर अच्छे से चला देते हैं। और थोड़ा सा और हम डाल देते हैं पानी, अभी पकेगा। तो ग्रेवी में अच्छे से उबाल आ गया है, तो इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक हमने डाला हुआ था पुख्ते में, तो इसे हम मिला देते हैं और थोड़ी देर तक और पकने देते हैं। ग्रेवी गाढ़ी होने देते हैं, ये देखिए पकते पकते काफ़ी गाढ़ी हो गई है। बहुत ही बढ़िया दोस्तों हमारा ये पोख्ता बनेगा। तो पोख्ता दोस्तों देखिए बहुत ही नरम बना हुआ है, स्पंजिंग हो रहा है। तिल्ली तोड़ कर आप लोग दिखाते हैं, ये देखिए जालीदार एकदम बना हुआ है, देखिए बीच में एकदम खाली खाली दिखाई पड़ रहा है दोस्तों, बहुत ही अच्छा बनेगा। तो ग्रेवी दोस्तों बहुत ही अच्छे से पक चुका है, तो इसमें हम डाल देते हैं सभी पोख्ते को। पोख्ता डालने के बाद दोस्तों आँच को हम धीमी करके पकाएंगे, क्योंकि आग तो हमने धीमी ही कर दिया है, और धीमी आँच में इसे पकने देते हैं। तो लौकी का पोख्ता दोस्तों मना बनकर तैयार है, देखिए बहुत ही अच्छा बना हुआ है। इसकी ग्रेवी आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा है दोस्तों, बहुत ही अच्छे से इससे खुशबू भी आ रहा है, और कलर भी बहुत ही बढ़िया आया। चलिए प्लेट में निकाल कर आप लोग दिखाते हैं। प्लेट में हमने निकाल दिया है इसे, रोटी और चावल पराठा पूड़ी बहुत ही अच्छा लगेगा इसके। आज हमने लौकी का दोस्तों पुख्ता बनाया है, बहुत ही अच्छा कलर आया हुआ है, बहुत ही अच्छे दोस्तों खुशबू आ रहा है। तो आप लोग को अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना, शेयर करना, हमारे वीडियो आप लोग लास्ट तक लगते हैं इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के संग, तब तक के लिए नमस्कार।